नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विद डॉक्टर अजय झा में। दोस्तों, समस्याएं तो बहुत हैं लेकिन अवसर भी मिले हैं। स्कूल बंद है पर पढ़ाई जारी है। हमारे फोन और लैपटॉप ने कक्षाओं का स्थान ले लिया है क्योंकि अब पढ़ाई ऑनलाइन होती है। ऐसी स्थिति में CBSE ने भी वर्ष 2020-21 के लिए कक्षा पांचवी से लेकर के और बारहवीं तक के एग्जामिनेशन पैटर्न में बदलाव किया है। इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ में कमेंट बॉक्स में ये लिखकर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये भी बताएं कि आगे आप किस तरह का स्टडी मटेरियल हमसे चाहते हैं, वही हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, किस तरह का बदलाव CBSE ने इस बार के एग्जामिनेशन पैटर्न में किया है, इसको समझ लेते हैं ताकि पढ़ाई करने में हमें आसानी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि पहले जो एग्जाम का पैटर्न था वो रिटन एग्जामिनेशन का था, यानी कि लिखित परीक्षा का होता था। हम स्कूल में होते थे, अपनी कक्षाओं में लिखित परीक्षा देते थे, लेकिन इस बार जो परिवर्तन किया गया है उसके हिसाब से अब एग्जाम भी ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एग्जाम जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आगे जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम होंगे, सेकेंड टर्म के एग्जाम होंगे और जो असेसमेंट टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन और ओपन बुक सिस्टम पर आधारित होंगे। तो फिर पहले से परिवर्तन क्या आया है? तो पहले से परिवर्तन ये आया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के नाते मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि बहुविकल्पी और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न अब ऑनलाइन पूछे जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात जो होगी वो ये कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको मैक्सिमम एक मिनट का समय मिलेगा, और उसी एक मिनट के अंदर आपको उस प्रश्न का जवाब देना है। उसके बाद प्रश्न बदल जाएगा और नया प्रश्न आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर मिलेगा। अंतिम बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि अब जो ये ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें जो सवाल होंगे उनका जवाब देने के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक यानी कि आप अपने पाठ्य पुस्तक की सहायता भी ले सकते हैं, यानी कि आप वहां से अपने उत्तर रेफर कर सकते हैं और सही उत्तर ढूंढकर एक मिनट के अंदर उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता लग गया कि आगे आने वाला एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा। लेकिन ध्यान रखें कि ओपन बुक टेस्ट में रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको अपने टेक्स्ट बुक की डीप स्टडी करनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट।